आते वो ने ऐसा क्यों किया? पागल है वो। तुम ठीक कह रहे, मोहब्बत करने वाले पागल ही तो होते। तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तारा। सच्ची मोहब्बत तो कुछ नसीब लोगों को मिलती है। ठीक कह रही हैं, लेकिन उस घर में भी जाने का क्या फायदा जहां आपकी इज्जत ही ना हो? अरे पागल लड़की, जमाने की खातिर मोहब्बत का खून नहीं किया जा सकता। तुम मुझे ही देख लो, मैंने जिब्रान से मोहब्बत की और उनकी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जिब्रान ने ताहिरा से मोहब्बत की, अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी उसने ताहिरा पे। तारा मोहब्बत ऐसी ही होती है, कुर्बानी मांगती है, जमाने की परवाह नहीं करती। मामा, तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे घर वालों ने मुझे तंग नहीं किया होगा? मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते थे, रोज इतना ही रिश्ते लाके मेरे सामने खड़े कर देते थे, मेरे मना करने पर मेरे ऊपर तानों की बरसात कर देते थे। मैंने भी कभी किसी की परवाह नहीं की। तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम भी जाओ, जाओ उसके पास और उसकी कदर करो। पर मुझे क्या पता कि वो कहाँ है? तुम इसी नंबर पर कॉल बैक करो, वो फोन उठा लेगा। आ जाए। जी, आप अभी तक वहीं खड़ी हैं, प्लीज आए ना। अरे आइए। अब हम बाहर लॉन में बैठ के बात नहीं कर सकते? मेरी कॉल पे आप यहाँ तक चली आई, अब मुझ पे एतबार भी कर लें, आ जाएं। आपको अल्लाह का वास्ता है, तिलावर की जान पुलिस स्टेशन से छुड़वा लें, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप परेशान मत हो, मैंने वकील से बात कर ली है, आपको बस मेरे साथ थाने चलना होगा। आप वहाँ जाके ये केस रफा दफा हो जाए। असल में अभी FIR पक्की नहीं कटी है। आपको बयान देना होगा कि दिलावर ने आपको अगवा नहीं किया। हाँ, मैं बयान दूंगी। और आपने अपनी अम्मी को भी इस बयान पर राजी करना होगा। अम्मा, मगर अम्मा तो दिलावर के सख्त खिलाफ हैं। देख रहे हैं आप, किसी ना किसी तरह तो ये मसला हल करना है, वरना आपका दिलावर पूरी जिंदगी जेल में गुजार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा हो गया तो मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी कि उसका बाप एक कैदी है? अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, पहली लड़कियां आप जिसको देख के मुझे तरस आ रहा है। आप चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी चले। रज्जू, तू कहाँ चली गई थी? ये तुम वही हो ना जो मुझे तारा के घर से लेकर आए थे? जी मैं ही हूँ। रज्जू, ये तुम्हारे साथ क्यों? मेरा काम तो है ही बिछड़ों को मिलाना और भटकों को उनके घर का रास्ता दिखाना। ले तो आया हूँ आपकी रज्जो को। रज्जो, तू किन परेशानियों में घिरी हुई है? तू मुझे बताती क्यों नहीं है? दरअसल दुश्मनों ने रज्जो के गिर्द घेरा तंग कर रखा हुआ। रज्जो? रज्जो का दुश्मन? जी, वही दुश्मन जिन्होंने रज्जो का अगवा करवाया था। और अगर आपने अपना बयान बदलाना तो की जान को तो खतरा है ही उसके साथ साथ रज्जो के शौहर को भी वो लोग मार सकते हैं।
राजू चल हम वापस गांव चलते हैं। क्या फायदा ऐसी दौलत का जिसमें ना जान की सलामती है ना इज्जत। अम्मा मैं नहीं जा सकती, समझा करें। राजू ये दौलत के पुजारी मार देंगे तुझे भी और मुझे भी। ये सब चक्कर आपकी लाडली जरी के चलाए हुए हैं जो अंधी हो चुकी है दौलत की हवस में। रजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया। शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करें, बस आप अपना और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो जरी और तारा इनसे दूर रहिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ अम्मा जी। देख लिया अम्मा आपकी जरी ने लूट लिया है मुझे।